press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो, मेरा नाम कौशल जी। आज हम कक्षा 10th के लिए एक्सरसाइज नंबर 2 है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ये पढ़ेंगे। तो ये मैं इंग्लिश मीडियम के लिए करा रहा हूँ। वैसे ये एक्सरसाइज इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के अंदर सेम ही है। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के अंदर इसको भी अपन थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि 10th के जो एग्जाम है वो पास में है। तो फॉर्मूला ड्राइव करना ये अंदर नहीं सीखेंगे, इसका जो शॉर्ट पैटर्न है उस पैटर्न से हम इसको करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं वो 6 होते हैं, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसे। तो इस एक्सरसाइज के जो 90% क्वेश्चन होते हैं वो अपन चेंज करके करते हैं, साइन और कोस भी चेंज करके करते हैं। तो साइन और कोस ये दोनों तो साइन कोस के फॉर्म ही है, इसके अलावा जो बाकी 4 बच जाते हैं तो उसको अपने साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ टेन थीटा जो है वो साइन अपॉन कोस हो गया, और कोट होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा, और कोसेक थीटा होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है। एक तो क्वेश्चन ऐसे भी है जिसको आप टेन और कोट को एक दूसरे में कन्वर्ट करके करेंगे तो जो टेन थीटा होता है वो 1 अपॉन कोट थीटा होता है, और कोट थीटा है वो 1 अपॉन टेन थीटा होता है। तो कोट और टेन होते हैं ये दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ये दोनों टेन होता है 1 अपॉन कोट, कोट होता है 1 अपॉन टेन। ये जो 1 से लेकर के 6 तक जो है ये क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। जब अपन क्वेश्चन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से जो 6 नंबर का आता है तो ये क्वेश्चन का शुरुआत अपन इनसे करेंगे। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है जो 6, इसमें 3 आइडेंटिटीज है ये मैम, इन तीनों से ये दो दो फॉर्मूले और बने हुए हैं। तो इन तीनों से अपने क्वेश्चन का जो लास्ट एंड करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत क्वेश्चन की ये करेंगे और ये उसका एंड करेंगे। तो आपको खुद को पहचान करना होगा कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटीज लगानी है। तो सबसे पहले जो पहली आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा का संबंध होता है, ये 9th क्लास में ये फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ भी है एक्सरसाइज 14 के अंदर। यहाँ से जब आप साइन स्क्वायर निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर है वो राइट साइड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। और जब कोस स्क्वायर थीटा निकालते हैं ये साइन स्क्वायर इस साइड चला जाएगा तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब सेकंड नंबर जो है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से जब 1 के इक्वल लिखेंगे तो ये टेन स्क्वायर है वो राइट साइड के अंदर जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। और जब यहाँ से टेन स्क्वायर आप निकालते हो तो ये 1 इस साइड जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। तो ये सेकंड आइडेंटिटीज हो गई। अब थर्ड है 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। अब 1 के इक्वल आएगा तो ये cos स्क्वायर है वो राइट साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो गया, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। और cos स्क्वायर थीटा की जब आप वैल्यू निकालते हो यहां से तो ये 1 राइट साइड में जाएगा तो ये 1 नेगेटिव हो जाएगा। आप इन सभी जो मैंने इतना बनाया है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप एक पेज पे उतार के इसको क्वेश्चन को जब भी आप स्टार्टिंग के अंदर करो इनको इन आइडेंटिटीज का यूज करते हुए करो, कोई भी क्वेश्चन इनके अलावा नहीं होगा। जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं शॉर्ट पैटर्न के अंदर आप क्वेश्चन को इन्हीं से शुरुआत करना है। और अब अपन इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो एक्सरसाइज 7 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और कई बार 7 के भी आ जाते हैं। तो 6 नंबर के क्वेश्चन के अंदर 3+3 में 2 क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन के अंदर। तो 3-3 नंबर के फर्स्ट सेकंड फिर ऑप्शन फिर 3-3 नंबर के फर्स्ट सेकंड। तो और 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार 7 एक्सरसाइज से भी पूछ लिया जाता है। तो ये कई बार 6 नंबर के आते हैं, कई बार 7 के आते हैं, क्योंकि 6, 7 और 8 तीनों एक्सरसाइज 11 नंबर की है टोटल। तो 6 एक्सरसाइज से 1 नंबर का क्वेश्चन ही आता है ऑलमोस्ट 7 से है, और या तो 6 का आएगा या 7 नंबर का आएगा। और 8 नंबर एक्सरसाइज है उससे भी 3 का आता है एक क्वेश्चन, लेकिन कई बार 3 नंबर का भी पूछ लिया जाता है, कई बार 4 का भी पूछ लिया जाता है। तो जब 7 से 3 नंबर का पूछता है, सेवन से जब 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक्सरसाइज 8 से जो है 4 नंबर का पूछेगा। तो इन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अब अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 sec थीटा डायरेक्ट 1 माइनस sin थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा प्लस tan थीटा, आंसर इसका लेकर आना है 1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है इसकी, तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को लिख लोगे sec थीटा 1 माइनस sin थीटा और sec थीटा प्लस
टेन थीटा। तो मैंने बताया था क्वेश्चन है वो 90% साइन कोस में चेंज करके होता है, तो साइन कोस में चेंज करने के लिए ये सेक होता है, ये कोस का इनवर्स होता है, तो इस सेक को लिख देंगे 1/cos थीटा ब्रैकेट में, ये साइन में चेंज है तो इसको एज इट इज लिख लेंगे 1 - sin थीटा ब्रैकेट में, सेक वापिस आ गया तो सेक कोस का इनवर्स होता है, तो 1/cos थीटा प्लस टेन होता है sin/cos, तो sin θ/cos θ। अब ये इसके मल्टीप्लाई में है तो इसका मल्टीप्लाई 1 - sin θ से करेंगे तो या जाएगा 1 - sin θ/cos θ, और इधर इस ब्रैकेट का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो कोस है, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा cos θ। अब दोनों का एलसीएम सेम है तो ऊपर जो न्यूमरेटर में है वो ऐड हो जाएगा एज इट इज 1 + sin θ। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो 1 - sin 1 + sin से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे आइडेंटिटीज बन रही है, ये या आइडेंटिटीज बन रही है a - b और a + b का जब मल्टीप्लाई होता है तो a² - b² तो यहाँ a की जगह 1 है, b की जगह sin θ है, तो इसका ये फॉर्मूला बन जाएगा 1² - sin²θ हो गया, और अपॉन में हो गया कोस का, जब कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos²θ, अब 1 का स्क्वायर होता है वो 1 - sin²θ अपॉन में cos²θ। अब मैंने जो आइडेंटिटीज के अंदर फर्स्ट आइडेंटिटीज के अंदर लिखाया था कि 1 - sin², 1 - sin² क्या होता है cos²θ होता है, और अपॉन में भी कौन है cos²θ, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए तो आंसर आ गया 1, तो 1 यहाँ पर आंसर लाना था तो ये 1 हो गया RHS, तो हैंस प्रूव। तो इसके जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन है वो 90% अपन साइन कोस में चेंज करके करते हैं, उसके बाद आपको जो एलजेब्रा के अंदर जो आइडेंटिटीज होती है a + b² a² - b² a + b³³ a³ - b³, ये सारे फॉर्मूले जो कि 9th क्लास में आपने 3rd एक्सरसाइज में पढ़े थे वो अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि ये आइडेंटिटीज इन क्वेश्चनों में लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, cosec²θ + sec²θ इज इक्वल टू cosec²θ - sec²θ, तो इसमें ये cosec और sec लेफ्ट साइड के अंदर है, ये तो एड के अंदर है और इधर है दोनों मल्टीप्लाई के अंदर, तो लेफ्ट हैंड साइड में cosec²θ + sec²θ। अब यहाँ देखो दोनों प्लस में है तो cosec और sec, तो इसको अपने को साइन और कोस में चेंज हो जाएंगे दोनों, क्योंकि cosec है वो साइन का इनवर्स होता है और sec है वो कोस का इनवर्स होता है, तो cosec को अपन लिख देंगे 1/sin²θ, और इस sec को लिख देंगे 1/cos²θ, क्योंकि cosec का 1/sin का होल स्क्वायर लिखोगे तो 1 का जो स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, और साइन का जो स्क्वायर है वो साइन स्क्वायर हो गया, ऐसे ही 1/cos². अब ये दोनों प्लस में है तो इनका एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो दोनों ही डिफरेंट है डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम आएगा तो इसका sin²/cos², ये दोनों ही आएंगे। अब साइन स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos² का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो cos²θ + cos² का इसमें डिवाइड करेंगे तो cos² कैंसिल होगा, बचेगा sin² का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ये sin². अब इसके जो न्यूमरेटर है इसके अंदर ये आइडेंटिटीज बन गई है sin²θ + cos²θ इज इक्वल टू 1 होता है, तो इस आइडेंटिटीज को आप साइड में लिख सकते हो sin²θ + cos²θ इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसका आंसर आप यहाँ पे लिख दीजिए आपको न्यूमरेटर में 1। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है sin²/cos²θ, अब जो राइट हैंड साइड में वो आंसर आना चाहिए cosec और sec के अंदर, तो आप चाहो तो राइट हैंड साइड को लेकर के आप उसको साइन कोस में कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज साइन कोस से ही आप cosec और sec बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर अपन ने cosec sec से साइन कोस में कन्वर्ट किया था, तो आप अगेन वापिस साइन कोस को cosec sec में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये दोनों अपॉन में मल्टीप्लाई में है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाना चाहते हो तो ये प्रोसेस करना है आपको 1/1 sin और मल्टीप्लाई में 1/cos, तो ये 1/sin का ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हो आप, और ये 1/cos को होल स्क्वायर।
क्योंकि ये साइन है तो वन के अपॉन में साइन, इधर वन के अपॉन में कोस, तो दोनों आप ये मल्टीप्लाई में है, वन अपॉन साइन वन का स्क्वायर वन ही होगा, इधर वन का स्क्वायर वन ही होगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में वन आएगा और साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर आ जाएगा। अब वन अपॉन साइन जो आइडेंटिटीज होती है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर, वन अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया मल्टीप्लाई वन अपॉन कोस क्या होता है sec स्क्वायर थीटा हो गया, तो इससे cos स्क्वायर मल्टीप्लाई sec स्क्वायर थीटा आ गया डायरेक्ट RHS। अगर आप राइट हैंड साइड से ये लेफ्ट हैंड साइड बनाना था तो ये वाला आप sin और cos में इसका आंसर लेके आना है, तो इसका आंसर लाने के लिए आप इसको ऐसे करते, ये मैं ऑप्शन में बता रहा हूँ, इसको आप ऐसे करते आप राइट हैंड साइड लेते इसकी, और राइट हैंड साइड क्या है cosec स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई sec स्क्वायर थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो यहाँ कोसेक और सेक को जैसे यहाँ पे आपने चेंज किया था वैसे यहाँ करना है, कोसेक को लिख दिया वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो गया वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, अब वन का वन से मल्टीप्लाई होगा तो वन अपॉन साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर हो गया, तो इसका आंसर ये आ जाता सेम। तो इससे आप अगर ये करते तो इसको आप ऐसे लिखते LHS इक्वल टू में RHS इक्वल टू में, जो दोनों का आंसर है उसको आप एक साथ लिख दीजिए ब्रैकेट में वन अपॉन साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर, और इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड लेकर आना है डायरेक्ट तो यहाँ तक करना है, और जब राइट हैंड साइड को लेकर के आप लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करना चाहो तब आप इसको इस तरह से करो sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, इसका आंसर लाना है tan थीटा प्लस cot थीटा। इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हैं, एक तो sec और cosec को आप चेंज करके sin cos में वैसे कर सकते हो, और एक जो दूसरा है पैटर्न मैं वो बता देता हूँ, वो इजी है पैटर्न, तो sec और cosec इन दोनों पे ये होल स्क्वायर है, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले लिख लेंगे sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे sec स्क्वायर जो होता है इसके आइडेंटिटीज ये सेकंड नंबर आइडेंटिटीज है, इसके कुल क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, और ये cosec स्क्वायर थीटा होता है जो होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो ये सेकंड और थर्ड जो आइडेंटिटीज है ये यहां पर आपको लगानी है, तो sec स्क्वायर थीटा की जगह अपन लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और आगे प्लस cosec स्क्वायर की जगह लिख देंगे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और इस पे ये स्क्वायर रूट है। अब यहां पे ये tan स्क्वायर और ये प्लस cot स्क्वायर और ये 1 और 1 मिलके हो जाएगा 2, तो इसको ये लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, और इस पे ये स्क्वायर रूट। अब देखो राइट हैंड साइड के अंदर tan थीटा प्लस cot थीटा आ रहा है और इसका स्क्वायर रूट नहीं आ रहा है, तो यहां पर अपने पास tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर और प्लस में 2 है, तो यहाँ पर ये एक स्पेशल आइडेंटिटीज है कि इस 2 का जब आप मल्टीप्लाई, क्योंकि ये फॉर्मूला है कि tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इस 2 के मल्टीप्लाई में अगर आप tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका जो मल्टीप्लाई का आंसर है 1 होता है। ये क्यों लिख रहे हैं, ताकि एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला बन जाएगा, वो उसके बाद बताता हूँ कौन सा बनेगा। तो इस 2 के जो मल्टीप्लाई में वो लिख देंगे tan थीटा इंटू cot थीटा, बाकी एज इट इज लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 मल्टीप्लाई में ये लिख देंगे tan इनटू में cot। अब ये tan इनटू cot 1 होता है, तो ऊपर वाला ये सेम ही है, बस इसका मल्टीप्लाई क्यों किया ताकि यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाए, तो फॉर्मूला कौन सा बनाया है यहाँ देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट में आप ये लिख दोगे a की जगह कौन है tan थीटा है और b की जगह कौन है cot थीटा है, और इसका ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है यहाँ पे और ये अंडर रूट है, ये दोनों एक दूसरे को रिमूव कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा, ये राइट हैंड साइड आ गया हैंड्स प्रूफ। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन को करना है।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आपके लिए बोर्ड एग्जाम तक आपको लगभग मैं कोर्स है वो करवा दूंगा। तो मेन मेन एक्सरसाइज है जो ज्यादा नंबर की आएगी, क्योंकि ज्यादा नंबर की फोर्थ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7 है, उसके बाद एक्सरसाइज है वो 9 है, 10, 11 और 12 और 13 ये है, और एक लास्ट एक्सरसाइज वो भी 4 नंबर की है, 18, और सेकंड लास्ट जो है 17 वो भी 6 मार्क्स की है। ये एक्सरसाइज होने के बाद में अच्छे मार्क्स है वो आप ऑब्टेन कर सकते हो। तो इसलिए आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन में कोट अल्फा प्लस कोट बीटा, आंसर लाना है 10 अल्फा मल्टीप्लाई 10 बीटा। इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं, कि एक तो साइन कोस में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप, दूसरा ये है कि आंसर 10 के अंदर आ रहा है दोनों, तो न्यूमरेटर तो 10 में ही है, आप डिनोमिनेटर को कोट जो दोनों है इनको आप 10 में चेंज कर सकते हैं, तो ये वाला बेटर इजी रहता है, तो साइन कोस वाला इसमें थोड़ा सा बड़ा पड़ता है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन में कोट अल्फा प्लस कोट बीटा, तो कोट है वो 10 में चेंज होता है, तो कोट को आप लिख सकते हो, कोट है वो 10 का इनवर्स होता है, तो कोट को आप ऐसे लिख सकते हो, कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 थीटा होता है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। तो न्यूमरेटर वाला तो दोनों 10, इसको तो एज लिख देंगे 10 थीटा प्लस सॉरी 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन में कोट अल्फा को लिख देंगे 1 अपॉन 10 अल्फा प्लस कोट बीटा को लिख देंगे 1 अपॉन 10 बीटा। अब जो डिनोमिनेटर में लिखा गया है इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में बन गया और दोनों प्लस में है, तो इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 10 अल्फा मल्टीप्लाई 10 बीटा, क्योंकि दोनों अलग अलग है, इसको आप ऐसे लिखोगे 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, ये तो डिनोमिनेटर था सेम। अब इन दोनों का जो एलसीएम लिखो लोगे आप, तो ये एलसीएम इनका 10 अल्फा इनटू में 10 बीटा, अब 10 अल्फा का इसको डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 बीटा बचेगा, 10 बीटा का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 10 बीटा प्लस 10 बीटा का जब आप इसमें डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर में तो 10 बीटा कैंसिल, 10 अल्फा बचेगा, 10 अल्फा का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 10 अल्फा। अब ये अपॉन में है तो ये इसका रेसिप्रोकल होगा, तो रेसिप्रोकल होने के बाद में ये न्यूमरेटर बन जाएगा और ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा मल्टीप्लाई में ये रेसिप्रोकल होगा, तो ये जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन गया, 10 अल्फा मल्टीप्लाई 10 बीटा और अपॉन में 10 बीटा प्लस 10 अल्फा, तो ये दोनों सेम है, प्लस में है तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो 10 अल्फा मल्टीप्लाई 10 बीटा बचा है, तो 10 अल्फा मल्टीप्लाई 10 बीटा, ये आंसर लाना था, ये हो गया आर। तो